गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने जर्नल एंट्री की 2 क्वेश्चन कर लिए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हम थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो हेडिंग डालेंगे हम पहले जर्नल एंट्री, थर्ड नंबर क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कोई नेम नहीं दिया है, हम भी यहां पर नेम नहीं देंगे, कॉलम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज के। फर्स्ट कॉलम जो होता है हमारा, उसमें डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स LF या डेबिट अमाउंट या डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। जर्नल एंट्री के 3 रूल्स, गोल्डन रूल हमेशा माइंड में रखिएगा। अकाउंट यदि पर्सनल है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यदि अकाउंट रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फर्स्ट एंट्री है, रिसीव्ड रुपीज 9,800 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम सोहन हु ओड रुपीज 10,000। मतलब यहाँ हमें सोहन से 10,000 रुपये लेना था जिससे हमको 9,800 रुपये फुल सेटलमेंट में मिल गए। तो 200 हमारा क्या हो गया यहाँ पे, फुल सेटलमेंट मतलब कंप्लीट हिसाब। तो 200 क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। हमने सेटलमेंट किया मतलब सामने वालों को क्या दे दिया हमने, डिस्काउंट। तो हमें सोहन से लेने, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिबल हुए, सोहन से पेमेंट लेना था तो एक तो सोहन, नंबर 1। रिसीव्ड हुआ मतलब कैश, तो सोहन से हमें लेना था 10,000, कैश रिसीव हुआ है 9,800, तो 200 का क्या हो गया, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। भाई मुझे सामने वाले से सोहन से 10,000 रुपये लेने थे, उससे मैंने 9,800 रुपये ले लिए और फुल अकाउंट ले लिया, इसका मतलब मैंने उसको 200 क्या दिया, डिस्काउंट दिया। अब यहाँ पे सोहन हमारा कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सोहन कौन है यहाँ पे, सोहन से लेना थे, हमने केस रिसीव किया तो सोहन गिवर हुआ, और जो गिवर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। एंड रिसीव्ड कैश, तो कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन, तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो कैश क्या होगा, डेबिट। और जब हम केस रिसीव करते तो हमने उसको डिस्काउंट दिया, अलाउड किया, तो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो आपको अकाउंट को पहले क्लियर करना कि कौन सा, सोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल माइंड में होना चाहिए कि अगर सोहन रिसीवर है तो डेबिट करेंगे और गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। तो सोहन से लेना था तो सोहन कौन हुआ, गिवर हुआ, देने वाला हुआ, इसलिए वो कौन होगा, क्रेडिट। तो सोहन को करा क्रेडिट। एंड कैश कम्स इन, केस रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो केस यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट। और डिस्काउंट एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट इनकम एंड गेन क्रेडिट। हमने किसी से कैश लिया तो हमने 200 रुपये उसको डिस्काउंट दिया, भाई 10,000 की जगह हमने 9,800 ही लिए, 200 हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दिया, मतलब एक्सपेंसेस हुआ, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड करते तो इनकम होती। तो डिस्काउंट हमने दिया है एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रूल होता है कि नॉमिनल अकाउंट में कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डिस्काउंट यहाँ पर डेबिट होगा क्योंकि डिस्काउंट एक्सपेंसेस है। तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, पहले डेबिट वाले को लिखते हैं, इसलिए डेबिट वाले को पहले लिखेंगे कौन कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। एक तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश के बाद कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक और जो डेबिट हो रहा है दोनों का एक साथ लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट, और 2 क्रेडिट वालों को थोड़ी जगह छोड़ेंगे, 2 वर्ड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 2 सोहन। नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाना है, ठीक है,
क्योंकि सुहन अकाउंट नहीं होता, सुहन का अकाउंट होता है, इसलिए सुहन से अकाउंट, या तो एस लगा के अकाउंट लगाया मत लगाइए। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुहन, हमें टू सुहन से लेना कितने थे 10,000 रुपये लेने थे, तो सुहन क्रेडिट, तो क्रेडिट हमने कैश कितना या 9,800, तो 200 क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। फिर इसका नरेशन लिखेंगे, और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट देने को बोलते अलाउड, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री, डेट नहीं दे रखी है, नंबर दे रखा तो नंबर डाल देते हैं। सेकंड एंट्री बोल रहा है कि पेड रुपीज 4,900 इन फुल सेटलमेंट टू मोहन, 4,15,000 ड्यू टू हिम, यानी मोहन को हमें 15,000 रुपये देना थे, लेकिन हमने उसको 14,900 रुपये दे के फुल सेटलमेंट कर लिया। यहाँ भी सेटलमेंट हुआ, कौन कौन से अकाउंट हुए, एक तो हमारा मोहन, ये रफ काम है, हमने उसको पेमेंट दिया तो एक कैश और एक डिस्काउंट। भाई मोहन को हमें देना कितने थे 15,000, हमने उसको दिया कितने 14,900 ही पेमेंट करा है, और तो 100 रुपीज़ क्या हो गए डिस्काउंट। अब यहाँ मोहन पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि व्यक्ति है, जो पर्सन होता है वो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट। हमने मोहन को पेड किया तो मोहन कौन है, रिसीवर है, रिसीवर क्या होता है डेबिट, तो मोहन होगा डेबिट। और पेड किया तो कैश जा रहा है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल व्हाट कम्स इन डेबिट गोज आउट इज क्रेडिट, तो कैश गोज आउट, इसलिए कैश क्या होगा क्रेडिट। अब हमने कैश दिया तो हमें डिस्काउंट मिला, क्योंकि 15,000 देना था 14,900 ही दिए, 100 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला, इनकम हो गई, और जो इनकम होती है उसके लिए रूल क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा क्रेडिट। एक बात पर ध्यान रख लीजिए, अगर कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। तो यहाँ मोहन को हमने पेमेंट किया है, ये करना जरूरी, समझने के लिए अभी बताया, मोहन को पेमेंट किया है, तो मोहन को पेमेंट किया तो मोहन है यहाँ रिसीवर, रिसीवर क्या होता है डेबिट, तो हम यहाँ पे मोहन को क्या करेंगे डेबिट, तो मोहन हो गया डेबिट। पेमेंट करा कैश जा रहा है तो टू कैश, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। इसका नरेशन लिखेंगे, हमने पेमेंट करा तो पेमेंट बीइंग कैश पेमेंट एंड, भाई कैश का पेमेंट करा तो हमने डिस्काउंट क्या करा है रिसीव किया है, क्योंकि 15,000 की जगह 14,900 दिया तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो हमें डिस्काउंट मिला है एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, तो बीइंग कैश पेमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्वेश्चन, ये दो एंट्री हो गई। थर्ड नंबर की एंट्री बोल रहा है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹7,000 फॉर प्राइवेट यूज। भाई ये थर्ड नंबर की एंट्री है, तो अब पेज अगले पेज में, मेरे पास दो एंट्री में ही पेज कंप्लीट हो गया, तो मैं अगला थर्ड नंबर की एंट्री इधर कर रहा हूँ। थर्ड नंबर की एंट्री क्या बोल रहा है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से रुपया निकाला फॉर प्राइवेट यूज, यानी निजी उपयोग के लिए, तो हम अपने पर्सनल यूज के लिए जाकर बिजनेस से कोई चीज विड्रॉ करते हैं। मैंने कहा ना बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेस का ओनर, उसके नाम, खुद का नाम नहीं लिखते, लेकिन उसके दो अकाउंट होते हैं, जब वो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल, और बिजनेस से अगर कोई कैश या गुड से विड्रॉ करे तो ड्रॉइंग, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस है, और जो पर्सनल एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, जब बिजनेस का ओनर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स या कैश अगर बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है तो उसे हम यहाँ पर ड्रॉइंग मीनिंग का यूज करते हैं। कौन सा ड्रॉइंग, तो यहाँ पे दो अकाउंट होंगे, एक तो ड्रॉइंग्स और दूसरा क्या विड्रॉ, कहाँ से कैश विड्रॉ किया लेकिन कहाँ से करा है बैंक से, तो यहाँ नाम आएगा बैंक, दो अकाउंट हो गए, एक ड्रॉइंग और एक बैंक, कैश नहीं हुआ, क्योंकि बैंक से कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो हमने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग शब्द का यूज करा, ठीक ड्रॉइंग आ गया, और दूसरा बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक, तो ड्रॉइंग क्या होगा, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि ड्रॉइंग पर्सनल एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस एंड लॉस हमेशा क्या होता है डेबिट, तो इसको हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ ड्रॉइंग्स को डेबिट लिखेंगे, तो लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट, जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करें ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से विड्रॉ किया बैंक से, तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि बैंक से विड्रॉ किया मतलब बैंक कौन हो गया गिवर हो गया, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल है
कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमने बैंक से विड्रॉ किया तो बैंकों ने गिवर है इसलिए गिवर क्या होता है क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट करेंगे और नरेशन में लिखेंगे हम हमने जो काम किया, क्या किया हमने नरेशन में, बिंग कैश विथड्रॉ, बिंग कैश विड्रॉ बाय बैंक फॉर पर्सनल यूज, उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया और कितना अमाउंट विड्रॉ किया 7000 रुपीज, तो 7000 रुपीज की एंट्री होगी, कितने की एंट्री होगी 7000 रुपीज की एंट्री यहां पर कर देंगे। तो ये थर्ड नंबर की एंट्री भी हो गई। अब फोर नंबर की एंट्री है कि पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। यहां पे दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्टिबल है, एक तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नंबर वन, और पेड किया है मतलब कौन सा अकाउंट इफेक्टिबल होगा कैश, क्योंकि पेड करेंगे तो कैश ही जाएगा, तो दो अकाउंट इफेक्टिबल हो गए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम और कैश। अब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ, क्योंकि एक्सपेंसेस है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट होते हैं, तो यहां लिखेंगे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट करा क्योंकि पेड करेंगे तो कैश गोज आउट, कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड गोज आउट इज क्रेडिट, तो कैश गोज आउट इसलिए क्या होगा क्रेडिट, और इसका नरेशन लिख देंगे हम बीइंग फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, बीइंग फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, और ये जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम था यहाँ पर ये दे रखा है 1200, तो ये 1200 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में भी और क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट में। ये करने के बाद आप क्वेश्चन के अंदर टोटल लगा लेंगे, और टोटल हमने इसकी एंट्री नहीं लिखी है, मोहन को देना कितने थे 15000 देना थे, हमने उसको दिए कितने 14900, और 100 क्या था हमारा डिस्काउंट था। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए अब आपकी बुक में सबकी कॉपियों में अलग अलग कॉपी होंगे, आपका पेज कंप्लीट होता है तो आप इसका टोटल यहाँ लगाएंगे और इसको लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड। लेकिन ध्यान रखना आपका अगर पूरा सवाल एक ही पेज में आ जाए तो ये करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कॉपी जब लाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कैरी फॉरवर्ड का यहाँ पर नाम आपको बाद में जब कॉपी आप चेक कराने आएंगे तब समझा देंगे। तो इसका टोटल लगा लेते, टोटल कितना हो गया 10 15 25 32, 33200 रुपये टोटल हमारा यहाँ पर टोटल, एक बार लगा लेते एक बार फिर से टोटल देख लेते हैं 10 15 25 32 33200 आपका इस क्वेश्चन का टोटल था हमने कर लिया, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक।